हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एडिसन का जो प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है जो यहाँ पे। तो दोस्तों, मैंने एक फ्रेंड है, मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, उसका भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपका भी इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आता है, आप भी इसको बहुत ही आसानी से आप इसको ठीक कर सको, ठीक ना। तो एडिसन का जो इशू आ रहा है यहाँ पे, तो उस फ्रेंड ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, तो उनका जो एरर आ रहा था वहाँ पे डुप्लीकेट का इशू। मतलब देखिए, एडिसन में ऑलरेडी उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, ऑलरेडी उसने एडिसन अकाउंट बना लिया है, अपने नाम से 2-3 आईडी बना लिया है एडिसन में, ठीक ना। एक ही ईमेल आईडी से 2-3 प्रोफाइल बना लिया है एडिसन में। इसी वजह से एडिसन जब भी अप्रूवल 2 स्टेप में जब भी वो लॉगिन करता है, वहाँ पे देता है एडिसन का आईडी, तो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसका इशू क्या आता है, मेल पे भी आता है कि वहाँ पे डुप्लीकेट का इशू, ठीक ना। तो डुप्लीकेट का जो इशू आ रहा है अभी, उसी को डिलीट किया, डिलीट करने के बाद फिर दोबारा उसको फिर उसी मेल आईडी को दिया, वहाँ पे एडिसन अप्रूवल नहीं हुआ और रिजेक्ट हो गया। दूसरा एक बंदे ने उस फ्रेंड का उसी आईडी को चोरी किया था, उसी हैक किया था उसी मेल आईडी को, इसी वजह से उसका एडिसन अप्रूवल भी नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक नया मेल आईडी बनाया हूँ और नया नंबर्स दिया और यहाँ पे नया एक एडिसन अकाउंट क्रिएट किया। और क्रिएट करने के बाद वहाँ पे एक नया नंबर, आपको पहली बात नया नंबर देना है, नया नाम से एक मेल आईडी बनाना है। जब भी आप एडिसन में जाओगे तो वहाँ पे आपको वहीं पे एडिसन अकाउंट बनाना है। पहले से एडिसन अकाउंट मत बनाइए क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ से एडिसन मैंने अकाउंट बनाया, बनाने के बाद उनका जो स्टेप 2 जो एरर था, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जो फ्रेंड ने मुझे दिया था, उसका जो चैनल है, उसका पहले से एडिसन अकाउंट बनाया था, इसी वजह से उसका नहीं हुआ। और मैंने क्या किया, उसका पापा के नाम से एक एडिसन अकाउंट बनाया। बनाने के बाद स्टेप्स 2 का जो इशू था, ये कंप्लीट हो गया। होने के बाद जिसके नाम से आप एडिसन अकाउंट बनाओगे, उसी नाम से उनका एडिसन जब वेरीफाई करोगे, तो वहाँ पे उन्हीं की आईडी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड हो गया, और नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, पासपोर्ट। तो इन्हीं चारों चीज़ों से आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हो एडिसन में। ये तो जैसे मोनेटाइजेशन कंप्लीट होता है एडिसन में जाके काम करना है। अभी देखिए दोस्तों, अभी स्टेप 2 का जो एरर है, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस जानकारी को अगर नहीं जानते हो तो आप आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टेप 2 का जो एरर था, उस एरर को मैंने फिक्स कर चुका हूँ ऑलरेडी, और एडिसन सक्सेसफुली वो अप्रूवल हो चुका है। उसका किस तरह से प्रोसेस करना है, अगर आपका इस तरह से एरर आ रहा है, तो चलिए दोस्तों उस वीडियो को, प्रोसेस किस तरह से मैंने प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को आपके साथ मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद आपका भी 100% वो जो स्टेप 2 में एरर आ रहा है एडिसन का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी के बिना हम वीडियो को आगे लेते हैं, और उसका जो प्रोसेस है मैं अपने स्मार्टफोन से ही करके आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कहीं पर मिस्टेक मत करना। मैं जैसे स्टेप बताता हूँ, जैसे फॉलो करता हूँ, आप उसी तरह से स्टेप को फॉलो करिए, और आप बहुत ही आसानी से अपना जो एडिसन का जो 2 स्टेप जो प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रोसेस आ जाता है, तो इसको आप किस तरह से ठीक करोगे, ठीक ना। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है बहुत सारा क्रिएटर के साथ। यहाँ पे एडिसन जब भी हम लिंक करते हैं मेल आईडी में, कोई मेल आईडी को छेड़छाड़ करता है, हैक वगैरह करता है, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप एडिसन का एक मेल आईडी, एक नया एक एडिसन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चेंज एसोसिएशन पे क्लिक करोगे जैसे, तो यहाँ पे पहले आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे पहले आपको एक इस तरह से प्रॉब्लम आता है, तो आपको न्यू जीमेल आईडी पहले बनाना है, उसके बाद एक न्यू नेम से आपको एक जीमेल आईडी बनाना है, उसके बाद न्यू नंबर, एक नया नंबर आप सिम खरीदो उसमें एक नया नंबर दीजिए, देने के बाद आपका जो ओल्ड एड्रेस है वही ओल्ड एड्रेस रहने देना है, देने के बाद आपको एक मेल आईडी बना लेना है, ठीक ना। मेल आईडी बनाने के बाद आपको यहाँ पे चेंज एसोसिएशन पे जैसे क्लिक करोगे, तो नया वाला मेल आईडी, नाम और न्यू नंबर यहाँ पे देना है, ओल्ड एड्रेस देना है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दूसरा पेज आ जाएगा। देखिए, दूसरा पेज जैसे आता है, यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करोगे तो फिर तीसरा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज यहाँ पे जो इधर है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। 3 ऑप्शन जैसे ही शो करेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो यहाँ पे 2 नंबर पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका एक नया एडिसन अकाउंट बनाओगे, ठीक है, ठीक ना। 2 नंबर पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो दूसरा पेज आ जाएगा। दूसरा पेज जैसे ही आता है तो यहाँ पे मेल आईडी आपको सिलेक्ट करना है, जो मेल आईडी पे आप एडिसन अकाउंट बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखिए येस कर देना है, जो एडिसन के तरफ से आपको मेल के द्वारा बता दिया जाएगा, तो यहाँ पे येस करना है। और यहाँ पे सिलेक्ट योर कंट्री, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आप जहाँ भी कंट्री है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आपका जो इंडिया, मैं तो इंडिया से है, मैं इंडिया सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो आपका जहाँ पे जहाँ कोई भी हो आपका कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना। यहाँ पे ये जो देखिए टर्म्स आ चुका है, तो यहाँ पे टर्म्स को पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ पे
चेकबॉक्स लगाना है और क्रिएट अकाउंट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, आपको अकाउंट टाइपिंग आपको यहाँ पे इंडिविजुअल रखना है। रखने के बाद यहाँ पे जो नया मेल आईडी बनाया है उसी नया नाम यहाँ पे दीजिए, जिनका मान लो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी नाम है यहाँ पे दीजिए, पान कार्ड में भी जो भी नाम है उसका नाम यहाँ पे दीजिए। देने के बाद यहाँ पे एड्रेस जो है आपका जो पुराना वाला एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस दे देना है, सिटी दे देना है, उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालना है, यहाँ पे स्टेट आपको डालना है, ठीक है। स्टेट डालने के बाद यहाँ पे आपको जो नया नंबर है नया नंबर यहाँ पे डालना है, डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीडायरेक्टिंग यूट्यूब हो जाएगा, तो यूट्यूब में यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे कुछ दबाना मत, यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। वेट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, देखिए स्टेप टू इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे 2 से 3 वीक के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट डन हो चुका है कि जो भी है। यहाँ पे इस तरह से करोगे तो आपका अकाउंट 100% आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोसेसिंग करिए, मेरा तो अभी भी ये प्रोसेसिंग में है, जैसे ही ठीक होता है मैं आपको उसका वीडियो भी लेके आऊँगा और आपको दिखाऊँगा, ठीक ना। तो ये देखिए इस तरह से प्रॉब्लम आता है, इसको इस तरह से आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पे इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे जैसे ही डाउन होता है तो यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ से देखिए स्टेप 3 में अंडर रिव्यू में चला जाएगा। तो मेरा जो चैनल मोनेटाइजेशन हुआ था यहाँ पे मेरा 10 आवर लगा था ये जो एडसन का, तो रिव्यू में मेरा जो चैनल गया था यहाँ पे 6 आवर लगा था, 6 आवर के बाद ये मेरा ये 10 आवर ये 6 आवर 16 घंटे के अंदर अंदर मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया था, उसके बाद एड वगैरह लगाया था। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। आई होप पे आप देख सकते हो 7 नंबर का जो पेज है वो दिखा रहा था कि एडसन इन प्रोग्रेस में था, तो वहाँ पे 14 डेज के बाद यहाँ पे एडसन देखिए मेरा अप्रूवल हो चुका है। यहाँ पे जो एरर का जो इशू है ये अप्रूवल सक्सेसफुली हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे देखिए गेट रिव्यू, तो यहाँ पे हमें अंडर रिव्यू में जा चुका है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है अंडर रिव्यू में जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस अभी लिख रहा है, अभी यहाँ पे थोड़ा हमारा जो यूट्यूब चैनल है अभी चेक करेंगे, चेक करने के बाद यहाँ पे 6 आवर या 20 आवर और 24 आवर 48 आवर यहाँ पे लग सकता है। होने के बाद ये हमारा सक्सेसफुली अप्रूवल हो जाएगा और हमारा इस चैनल पे हम वीडियो जितना भी है, जितना भी हम इस चैनल पे सारे के सारे ऐड हम रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एडसन का जो इशू आ रहा है, जो एरर आ रहा है, आपको ये प्रोसेस मैंने जैसे ही बताया हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। करने के बाद ये आपका सक्सेसफुली ये आपका हो जाएगा, एडसन का प्रॉब्लम इशू हट जाएगा, ये अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद अंडर रिव्यू में जाएगा। तो यहाँ पे टाइमिंग लगेगा और यहाँ पे देखिए 14 डेज के बाद ये हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई अप्लाई करता है तो एडसन का इशू नहीं हुआ था, तो ये बार बार रिजेक्ट हो रहा था, मतलब 4-5 बार ये अप्लाई किया था रिजेक्ट हो रहा था। उसके बाद मैंने एक एडसन अकाउंट बना के यहाँ पे ऐड किया, जैसे ऐड किया ये मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और दोस्तों अगर मेल आईडी बनाना नहीं आता, इस वीडियो के लास्ट में आपको मेल आईडी किस तरह से बनाओगे, एक नया मेल आईडी किस तरह से बनाओगे, आप वहाँ उस वीडियो को देख के एक नया मेल आईडी बना लेना है। और यहाँ पे एड्रेस कौन सा दें, जो भी आपका ओल्ड एड्रेस है वही ओल्ड एड्रेस दीजिए। और आपके नाम से अगर नहीं हो रहा है एडसन अकाउंट, आप मम्मी पापा या किसी का नाम से आप बना लो, जिनका पास पान कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट चाहिए, तो ये चारों में से एक आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी नाम से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एडसन में। इसलिए उन्हीं जिनके पास वो आईडी है उसी का नाम यहाँ पे देके यहाँ पे एडसन अकाउंट बना लेना है। और दोस्तों ये देखिए सक्सेसफुली है मेरा एडसन का एरर हट जाएगा, आपका 100% हट जाएगा, मेरा तो हट चुका है। अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ही आसानी से आप इसको ठीक कर सकते हो। और इस वीडियो में जो बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, फॉलो करने के बाद आपका 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे इन प्रोग्रेस में ये देखिए यहाँ पे वेट कर लेते हैं, जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है हम इस चैनल पे वीडियो में रन करेंगे। ये तो मेरा चैनल नहीं है, ये किसी फ्रेंड का चैनल है, तो उनका ये इशू था, तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट में बताइए, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, अगर इस तरह से प्रॉब्लम का आप ठीक कर लो, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसका जो मेल आईडी बनाना है इसका भी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के एक नया मेल आईडी बना के ये ट्राई जरूर करना। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आपका इस तरह से प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आता है तो आपको क्रोम ब्राउजर में यूज नहीं करना है, आपको ओपेरा मेनू या फायरफॉक्स एक प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके उसी ब्राउजर में आपको ये यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप वहाँ से इसको आईडी को लॉगिन करके दोबारा इससे एडसन का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको ठीक कर सकते हो। वहाँ पे लॉगिन करके सेम प्रोसेस है, अगर करोगे तो हो जाएगी। दोस्तों थर्ड ऑप्शन जैसे ही इन प्रोग्रेस में ख़त्म होता है तो हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे ही हमारा मोनेटाइजेशन सक्सेसफुली होता है तो हम उसमें हम सारे वीडियो पे ऐड रन करना चाहते हैं, तो ऐड किस तरह से रन करेंगे तो वो तो पता नहीं है, तो आप इस वीडियो के लास्ट में देख लेना है, उस वीडियो का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो प्रोसेस देख लेना है। देखने के बाद आपको
अप्लाई कर लेना है, सारे वीडियो पे ऐड लगा देना है। लगाने के बाद आपका जो वीडियो है उसमें ऐड रन होगा और आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे ही आपका रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पे एडसन में $10 जब भी हो जाएगा तो आपको एडसन पिन अप्रूवल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे गेट रिव्यू में यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे जैसे ही आपका अंडर रिव्यू में यूट्यूब चैनल आता है तो वहाँ पे अब किस तरह से YouTube चैनल में सारे वीडियो पे ऐड रन कराओगे उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को भी देख लेना है कि इसके आगे आपको प्रोसेस क्या करना चाहिए और सारे वीडियो पे ऐड किस तरह से रन करवाना चाहिए, उस वीडियो को देखिए और आपने सारे वीडियो पे ऐड रन कराइए और अच्छा खासा पैसा कमाइए।